अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुश आमदीद। दोस्तों अपने सामने है ट्रेड इंपैक्स का ट्रैक्टर वाइटियो एग्री मास्टर 1204 120 हॉर्स पावर 6 सिलेंडर विद एसी कैबन 4x4। और इस ट्रैक्टर की अभी थोड़ा परफॉर्मेंस चैक करावनी है जनाब इंपोर्टेड कल्टीवेटर से, इंपोर्टेड और बड़े कल्टीवेटर से, बिग कल्टीवेटर। तो इस तो पहले जनाब ये इस तरह के औजार इंपोर्टेड ट्रैक्टर के पिछे और आप बाहर के मुल्क के जो ट्रैक्टर ने ना उन्होंने पिछे चलते वेने हैं। अज थानू पाकिस्तान में दिखावन लग्या जनाब ट्रेड इंपैक्स वाइटियो के ट्रैक्टर के पिछे। और बोलन नू जनाब कल्टीवेटर है, लेकिन तुम देख सकते हो कि लंबाई भी चंगी है कुड़ा की और कुड़ चंगे मोटे ने। कुड़ जनाब इवें ने जिमें आप अपने लोकल ट्रैक्टर के मगर चीजर इस्तेमाल करीद है आलू की जमीन बनावन वास्ते 5 फाड़ा या 7 फाड़ा। तो यह जनाब इनू आप बोलन नू जनाब कल्टीवेटर है, इंपोर्टेड कल्टीवेटर, लेकिन है चीजर ही, यानी कि इन्हें स्प्रिंग सुपरुंग कोनी ठोस लां ने और इनकी लंबाई भी बड़ी है। दोस्तों तुसी देख सकते हो, मैं थानू बैक तो दिखा रही हाँ कि ट्रैक्टर के टायरों तो 3-3 फुट एक कल्टीवेटर बाहर है। ट्रैक्टर के टायरों तो 3-3 फुट ये कल्टीवेटर बाहर है, इन्ना बड़ा कल्टीवेटर है। इस तो पहले इस कल्टीवेटर इस फार्म से 160 हॉर्स पावर और 190 और 200 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर इस कल्टीवेटर चला रहे हैं। अज थोन दिखावन लग्या है इस 120 हॉर्स पावर के पिछे इन चला के भी वाइटियो के ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस इस कल्टीवेटर से कैसी है। तो कल्टीवेटर के पिछे रूला लगा हुआ जनाब, ये अगू ढीमा पट्टेगा तो पिछू जनाब जो रूला है वह मिट्टी बरीक करता जाता है। तो जी इत जमीन खाली पई है ना, जिमें ट्रैक्टर खड़ा है इतने जनाब होर जमीन खाली कोनी पई, सिर्फ हल्ला उत्ते चलिया हुई ने। उत्थे आपां इहनू चला के चैक करना है, तुहानू परफॉर्मेंस चैक करा सें वड्डे कल्टीवेटर ते इंपोर्टेड कल्टीवेटर, बड़ा भारा कल्टीवेटर है। ट्रैक्टर दे साउंड ते तुसी गौर करना है, ट्रैक्टर दा साउंड कैसा है, आवाज़ ट्रैक्टर दी कैसी है। ते आओ जनाब इहनू हुण चला के चैक करिए। ते लो दोस्तो फील्ड दे विच आ गए जनाब ट्रैक्टर एग्री मास्टर 120 हॉर्स पावर। इस तो पहले आप दोस्तों इवें दे कल्टीवेटर ना बाहर के मुल्क के ट्रैक्टर व्डे ट्रैक्टर के पिछे देखने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में थानू होर तरह के कल्टीवेटर भी इंपोर्टेड कल्टीवेटर भी खास हैं जेडे पाकिस्तान के इंशाल्लाह पहली बार देख रहे हो। तो माशाल्लाह तुसी ट्रैक्टर का टोरा देख लो, लेकिन यह थानू दसदा चलना दोस्तों ट्रैक्टर के असं पहले फेरे जोड़े लिया रहे हैं। टू व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर आ रही है, खुद ड्राइवर ने कहा कि टू व्हील में लिया मैं ट्रैक्टर, तो टू व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर आ रही है, यानी कि अगले टायर जो ट्रेनी आ गया आगे फिर कटिया हो फिर थोड़ा फोर व्हील में भी चैक करावे। क्या बात है जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह तुसी ट्रैक्टर का साउंड सुने जिमें जनाब शेर भड़कदा भी है, सोहनी आवाज़ है ट्रैक्टर की। दोस्तों तो यह जनाब तुसी ट्रेड इंपैक्स का वाइटियो ट्रैक्टर देख रहे हो इंपोर्टेड हल्लां दे अग्गे। तो इस तो पहले थोड़ा दस्या कि इस फार्म से इस कल्टीवेटर 160 हॉर्स पावर और 200 हॉर्स पावर तक इस कल्टीवेटर ट्रैक्टर चला रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही है इस कल्टीवेटर से ट्रैक्टर। और ये आज वीडियो दिखाने का मकसद ये भी है कि बड़े ट्रैक्टर का फायदा की है और एसी कैबन का फायदा की है। तो दोस्तों सर्दियों के सर्दी तो बचो तो गर्मियों के गर्मी तो बचो, एसी कैबन का मज़ा और बड़े ट्रैक्टर का मज़ा कम जनाब मिनटा वाला घंटे वाला इन्हें मिनटों के खत्म कर देना, ठीक है जी। यह देखो क्या मज़ा है जनाब इस कल्टीवेटर का, इस ट्रैक्टर का। तो इस गलों मैं कहना कि जोड़े व्डे लोग है व्डे जिमीदार उन्होंने इवें व्डे ट्रैक्टर खरीदने चाहिए ने, फिर व्डे एप्लीमेंट बनाने चाहिए, मतलब औजार बनाने चाहिए ने, ताकि टाइम की भी बचत हो, डीजल की भी बचत हो और जमीन बना का जिमीदारा कर मज़ा आए। जिन्हों दोस्तों को मतलब है ना कोई 5-6-7 ट्रैक्टर, उन्होंने चाहिए एक इवें का ट्रैक्टर रखना। ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लगी
कमेंट सैक्शन में जरूर दसना है। दोस्तों नाल वीडियो प्यारी लगे तो शेयर भी जरूर करनी।